हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे ट्रेलर कौन सी मूवी का, कंगुआ। और ये मेरे ख्याल से आने वाली है शायद। चलो देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से नवंबर में ही शायद डेट है शायद आने की। तो हम तो सोच रहे हैं कि जाएंगे देखने, पर अब ट्रेलर देख के देखते हैं अगर हिंदी में होगी तो जाएंगे। हाँ, तो अभी हम जो ट्रेलर देखेंगे हिंदी में अगर आई यहाँ पर, तो यहाँ कई बार नहीं आती, यहाँ पे नहीं। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि अगर ऐसी मूवी है तो वो हिंदी में नहीं आएगी, उसकी दूसरी लैंग्वेज में आएगी। तमिल में है तो तमिल में ही यहाँ पे आती है, दे डू नॉट शो इन हिंदी। हाँ, तो लेट्स सी कि इस बारी क्या होता है। तो हिंदी में भी देखेंगे और इसमें दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी जो है वो दोनों देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, जल्दी शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो देखा ही नहीं इसमें कौन कौन है। इसमें है सूर्या, बॉबी डियोल और ये क्या शिवा। तो डेट याद नहीं आ रही मुझे, नवंबर मुझे लग रहा है। होपफुली एंड ऑफ द ट्रेलर पे शायद डेट आ जाए तो उससे पता चल जाएगा। चलो शुरू करें। கங்காட்டு புலிக்கூட்டம் ஒன்னா உருவிச்சுன்னா அடிவான இடி தர இறங்குச்சுன்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான், கங்கா कहीं मॉडर्न हो रहा है, कहीं पे ओल्ड हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है मुझे तो। इन द लैंड ऑफ प्रॉमिसेस द प्रोफेसी। पीछे से हमें क्या दिख रही थी, 14th November। जंगल में बाघों का झुंड दहाड़ता है, बिजली गरज कर धरती पर उतरती है, तो समझ लो आ गया है कंगुआ। सामने से करेंगे। म्यूजिक अच्छा है। पेड़ में देखा, पीछे से आंखें दिखती हैं क्या? हाँ, दिख रही हैं। हाय हाय, ये लास्ट में जिसके दांत दिखा रहे हैं, ये बताओ ये कौन है? ये बड़ा गंदा सा लग रहा था शक्ल। और क्या बॉबी डियोल ने वाकई ही तमिल बोली है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बोली होगी। हाउ डज बॉबी डियोल नो तमिल? तमिल में आएगी पर... मूवी तो बॉबी डियोल ने क्या डायलॉग्स उन्होंने बोले थे? आई डोंट थिंक सो। अगर बोले थे दैट इज नाइस, मुझे तो नहीं लगता। काफी मेहनत की है फिर तो। मुझे नहीं लग रहा, पर आप लोग बताना मुझे। हो सकता है बोले हो, हो भी सकता है, पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती। इट इज वेरी गुड। हाँ, पर मैं ये बोलूंगी ट्रेलर को देखकर कि जिसमें पुराने टाइम का दिखा रहे थे वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, वो सीन्स मेरे को फैसिनेट कर रहे थे, एज कम्पेयर टू जो वो मॉडर्न टाइम बार बार दिखा रहे थे ना, उससे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा था। पर जब वो पुराने टाइम का वो पूरा ट्राइब्स और ट्राइबल लुक और उस टाइप की फाइटिंग वो था, वो सारे वो जो सीन्स थे और जिस तरह से उन्होंने पूरा सेट बनाए हुए हैं, वो मुझे अच्छे लगे हैं।
और जहाँ पे वो मॉडर्नाइज्ड वो दिखा देते प्रेजेंट टाइम क्या का दिखा देते थे, उसमें फिर मेरा जो इंटरेस्ट था, मैं कहती नहीं यार मुझे वही वाला वो उस पर तुम ज़्यादा स्ट्रेस करो। तो लग रहा है इस मूवी में ये है कि पुराने ज़माने में कुछ हुआ है और उसके बाद ये लोग फिर से पैदा हुए हैं और इस ज़माने में आए हैं, और जो भी वहाँ पे इनकम्प्लीट रहा, कोई बदला लेना होगा या कुछ लेना होगा, वो अब पैदा हो के वो अब वो बदला जो होगा गंदे के साथ जो करना होगा उसको ख़त्म या कुछ, वो शायद अब होगा। क्योंकि उसमें एक सीन दिखाया ना था कि वो अपने बेटे को पुराने में दिखाया जब ट्राइबल थे, सर पे हाथ रख रहा है, और यहाँ पर उसके बाद एक और सीन दिखाया था जिसमें वही एक प्रेजेंट टाइम में अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख रहा था। तो मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ होगा। पर क्वेश्चन ये है, तो जो पीछे में जो जो एक्टर्स थे वो सारे फिर प्रेजेंट में उसी शक्ल पे आएंगे? मतलब बॉबी डियोल अगर उस टाइम था तो बॉबी डियोल फिर वापस आएगा न्यू लुक मॉडर्न लुक में इस मूवी के अंदर? क्योंकि हीरो तो लग रहा था, ये कंगुआ जो था कंगुआ वो तो लग रहा था कि सेम टू सेम है, करेक्ट? एम आई राइट? क्योंकि वो जो लंबे लंबे बालों में जो इतनी बारी आया वो ही था, और उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे थे पूरा वो हीरो के लुक में वो मॉडर्न शर्ट वर्ट पहनकर। और उसके बाद एक जो शुरू में सीन दिखाया कि लोग ऊपर से ऐसे लग रहा है कमांडोज आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से नीचे शूटिंग के लिए, तो वो समझ नहीं आया कि कमांडोज कहाँ से आ गए वहां पे। वो प्रेजेंट का दिखा रहे होंगे कोई सीन, उसके बाद वो पीछे की तरफ चले गए, फिर आगे के पीछे का ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा था। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, वो ज्यादा मजेदार लग रहा था, पीछे का ज्यादा मजेदार था, प्रेजेंट वाला में नहीं मजा आया। अगर ये प्रेजेंट को ज्यादा करेंगे तो फिर मूवी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। पीछे वाले का था फाइटिंग, वो जो दिखा रहे, क्योंकि हमने वो देखा नहीं ना कि पुराने जमाने में क्या होता होगा, कैसे मतलब ताकतवर और स्ट्रॉन्ग और वो मतलब जंगली टाइप लुक और जंगली वे से रहना। मैं होप ये होगा मेरा कि मूवी में ज्यादा फोकस हो स्टोरी पे, नॉट अ सिंगल पर्सन। कई बार ये होता है सदर्न इंडिया में देखिए मूवीज होती हैं जिनमें फोकस एक बंदे पे हो जाता है, पूरा पूरी मूवी इज डेडिकेटेड टू हाइलाइटिंग दैट पर्सन, उसकी ग्लोरी, हाउ स्ट्रांग और सुपर नेचुरल, एक बंदे की ग्लोरी पे पूरी मूवी उसके अराउंड है, रादर देन स्टोरी पे, फोकस ऑन द स्टोरी नॉट सिंगल पर्सन। क्योंकि जो भी हिट हुई है साउथ वाली वो है जो स्टोरी पे बेस्ड हुई है। अभी तक जितनी साउथ की हिट हुई है वो तो वही है जिनमें स्टोरी है, हीरो के ऊपर फोकस नहीं है। और इसमें वो जो वो लेडी बोलती है ना, वो लेडी थी या क्या वो लुक में कि भैया वो कंगुआ है इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको देख के मुझे वो वाली मूवी याद आई थी, वो जो देखी थी ना, वो क्या नाम था मूवी का, मैं तो भूल ही जाती हूँ उस मूवी का जो बहुत हिट हुई, right. जिसमें उसके अंदर वो घुस जाते हैं, वो मेरे ख्याल से केरला की थी, उसमें उससे काफी कुछ कॉपी, वो बिल्कुल लुक मुझे वैसी फील हुई, वो देखते ही मुझे वो मूवी याद आई थी। तो कई चीजें मतलब इंप्रेसिव, तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि मैं नहीं देखूं, मेरे को क्योंकि वो पुराने वाला है ना, जो पुराना टाइम आप तभी देख सकते हैं अगर हिंदी में होगी तब देखेंगे, फिर तो नहीं देखूंगी, क्योंकि वो दूसरा जब देखा ट्रेलर तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब हिंदी में बोला तब जाके इंटरेस्ट पैदा हुआ, हाँ फिर समझ में आया और इंटरेस्ट पैदा हुआ है। तो आप बताओ, आप लोग देखोगे? अगर हमसे पहले चले गए कंपटीशन होगा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम पहले जाएंगे कि आप जाओगे, नहीं हमारे यहाँ तो बहुत अनलाइकली है, इट विल कम इन हिंदी पॉसिबल, आई होप सो, लेट्स तमिल में आएगी, चलो देखते हैं। अगर 15th को आ रही है तो मतलब अगले हफ्ते ही है, चलो मैं चेक करती हूँ थिएटर में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसे पता चलेगा हिंदी में। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, आपको ट्रेलर कैसा लगा, कि आप देखने जाओगे कि नहीं जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।